बजट सत्र चल रहा है और सीधे आपको लेकर चलते हैं विधानसभा, जहां मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोल रहे हैं। सका हुआ है तमाम उपायुक्तों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि जो मजदूर जहां फंसे हुए हैं उनको आप लाइए बस से घर तक पहुंचाइए, 3 टाइम का भोजन दीजिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, पैकेट पे पैक करके चावल, आटा, दाल, चावल, प्याज, तेल, नमक घर घर में राज्य सरकार ने पहुंचाने काम किया। इसके अलावा सत्तू, चूड़ा, गुड़ और उस परिस्थिति में 10 बार तो मंत्री पहले थे जी, बाद में सुन लीजिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राज्य भर के माननीय सांसद विधायकों से क्या संकल्प बोल रहे हैं, सीधा संवाद कि जिला का क्या हाल है, जिला में कोई बेहाल तो नहीं है, पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, पक्ष का सांसद हो, विपक्ष का सांसद हो, हम 20 बरस के राजनीतिक जीवन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री का खोजा, विधायक सांसद का तो माननीय हेमंत सोरेन ने खोजा कि जिला में क्या, कोई अधिकारी वहां नहीं रहते थे, आपको भी हम देखते थे स्क्रीन में, बिरंची जी भी देखते थे, सबको देखते थे कौन आए हुए हैं सीएम से बात करने के लिए, आप अपना बात सब रख रहे थे क्या हो रहा है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्थिति में, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मंत्री जी आसन की ओर, अध्यक्ष महोदय ने, अध्यक्ष महोदय उस विकट परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने बचने के साथ साथ सभी को बचाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय हो रहा है, अध्यक्ष महोदय अब जो हमारे माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने कहा कि आप 2020 और 21 में कितने लोगों को लाभ दिया थोड़ा सरकार बताएं। अध्यक्ष महोदय 4,743 श्रमिकों को साकिल डीबीटी के माध्यम से अध्यक्ष महोदय खाता में पैसा दिया गया, जो श्रमिक का छात्राएं जो पढ़ती है। इसके अलावा 9,518 श्रमिकों को औजार और किट